नमस्कार, आपका डेली पोल ट्रैक में स्वागत है। अब खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ऐसे समय में नेताओं की सेहत राजनीति की सेहत बिगाड़ देती है। ताज़ा खबर यह है कि केजरीवाल को भले ही बेल ना मिली हो, लेकिन इंसुलिन जरूर मिल गई है। जी हाँ, इंसुलिन, शुगर कंट्रोल करने की दवा। 21 मार्च से ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की सेहत लगातार राजनीति का मुद्दा बनी हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि केजरीवाल डायबिटिक हैं और जेल में उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है। पार्टी ने ये तक कहा कि उनका शुगर लेवल 320 पहुंच गया था, जबकि 120 को सेफ लेवल माना जाता है। ईडी ने इस पर पलटवार किया, कहा कि मुख्यमंत्री जानबूझकर शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं और डायबिटिक होने के बावजूद आम आलू पूरी खा रहे हैं। शुगर लेवल पर कड़वाहट बढ़ी तो एम्स के डॉक्टरों का पैनल बना, उन्होंने केजरीवाल के टेस्ट किए, शुगर लेवल हाई निकला। आम आलू और पूरी डाइट से बाहर हुए, अब शुगर कंट्रोल में रखने वाला खाना मिल रहा है। इन सब के बीच हाल ही में जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिलने के बाद क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। आज एक ऐसा सच आपके सामने बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20-22 साल से शुगर का मरीज है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, फरिश्ते स्कीम लाए, पिछले 23 दिनों से उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी तो क्यों नहीं दी जा रही थी? और जब हम बार बार कहते थे कि यह जान से मारने की साजिश है तो हमसे पूछा जाता था कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है। अब वो बात सामने आ गई, 23 दिन के दिल्ली के लोगों के संघर्ष के बाद अब उनको इंसुलिन दी गई है। देश में मौसमी टेम्परेचर के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक विकास की लाइन पकड़कर चल रही भारतीय जनता पार्टी ने गियर बदला है और ध्रुवीकरण को मैदान में उतार दिया है। इस मुहिम की शुरुआत रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। आज टोंक में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू समाज को आश्वासन दिया। आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहू लुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्त भोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? भाइयों,
धर्म के आधार पर वोट की मुहिम अकेले नहीं चलती। उत्तर प्रदेश के घनी मुस्लिम आबादी वाले अमरोहा में योगी आदित्यनाथ ने वायदों की झड़ी लगाई और फिर रैली में आए लोगों को बताया कि देश डॉक्टर बीआर अंबेडकर के संविधान पर चलेगा, शरिया कानून से नहीं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे क्या कहते हैं, कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस द्वारा अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। इसे लेकर अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और उनके बहनों यानी ब्रदर इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसा है और अफवाहों का बाजार गर्म है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 में ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया था। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन और अमेठी सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है, इसलिए 2024 के चुनाव में अमेठी इलाके में कांग्रेस के गांधी परिवार द्वारा कराए गए कामों की चर्चा या उनकी कमी ईरानी के भाषणों का हिस्सा है। देखिए वीरा जी की नजर है, उसाले साहब क्या करेंगे, एक जमाने में दादा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग जब बस में सफर किया करते थे 5 मिनट के लिए सीट छोड़ के कहीं जाना होता था, बुजुर्ग अपनी जेब में से रुमाल निकाल के सीट के ऊपर छोड़ दिया करता कि बैठना मत हमारी सीट पर, करते थे क्यों नहीं करते थे। राहुल गांधी भी रुमाल छोड़ने आएंगे, चिंता ना सब क्योंकि वीरा जी की नजर है। कर्नाटक के हुबली में 18 अप्रैल को बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमत की बेटी नेहा हिरमत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से कर्नाटक में इस मुद्दे पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी जुबान में इसे लव जिहाद कहा जा रहा है। इस घटना में लव जिहाद एंगल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भारत में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां प्रचार में लगी हैं। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे थे और कर्नाटक में वहां की आवाम से रूबरू होते हुए उन्होंने हिरमत मर्डर केस का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस सोच को बढ़ावा दे रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जहां कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटक के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। हजारों उम्मीदवार देश भर में चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। उधर गुजरात के सूरत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल किस्मत के धनी निकले, वो सीट निर्विरोध जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और तमाम सभी प्रत्याशियों के अपने नामांकन वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। मुकेश दलाल की जीत के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। राहुल के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है कि उनके सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र मजबूत है, हमारे जीते तो लोकतंत्र कमजोर है। गुजरात में सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है तो आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए,
आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाए तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। फिलहाल आज इतना ही। मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत, और ऐसे ही तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए जिस्ट के साथ।